रोटी कपड़ा सोना और मकान। तो मिडिल क्लास पीपल रेगुलरली सेविंग्स करता है थ्रू सोना। क्यों आईफोन रखता है? ये 100% यूज करता है? कुछ नहीं, इट इज ए स्टेटस सिंबल। दैट इज ट्रू। ऐसा है सोना में, स्टॉक मार्केट अलग है, गोल्ड मार्केट अलग है। नीड तो सोना है, ग्रीडी तो स्टॉक मार्केट है। ये मैंने बोलता है, एक लड़की पैदा हुआ सो महीने का 1 ग्राम ले लो। ये आपका हो गया SIP फॉर गोल्ड। या SIP फॉर गोल्ड। वेलकम टू ज्वेलरी इनसाइडर विद शान चावला, एन इनिशिएटिव बाय GJS। आज मेरे साथ है मिस्टर रमेश जी फ्रॉम थंगाबाई ज्वेलर्स, वन ऑफ द लीडर्स, ओनली लीडर्स इन तमिलनाडु। एंड रमेश जी, आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार। नमस्कार। बॉम्बे कैसा आपको लगा यहाँ पर आकर? एकदम अच्छा है इधर, अच्छा। बारिश के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत अच्छा भाई, हमारा साइड बारिश नहीं है। अच्छा, इधर ज्यादा बारिश देखने के में बहुत सुंदर है, मॉर्निंग वॉक भी बहुत अच्छा है। तो हम फिर जाते हैं फिर गोल्ड पे डायरेक्ट, जो आपका खासियत है। बट लेट मी गिव अ स्मॉल ग्लिम्स टू व्यूअर्स। थंगमाइल वॉज स्टार्टेड बाय हिज फादर इन 1947 during the time of independence, and since then it has expanded to 59 stores only in Tamil Nadu, and that's mind-boggling. And the amount of people trusting Thangamayil is too good. Anyways, that's a different story. Aaj hum sone ke upar baat karne aaye hain, jo dhanyawad jiske liye Thangamayil ka naam hai, jiske liye Thangamayil is pe grow hua hai. So sona to Tamil Nadu mein kafi bikta hi hai. Haan ji. एंड थंगमाइल सबको खुश करता है अपने सोने से। हाँ जी। बाकी इंडिया में साउथ के अलावा जो मेरे जैसे जो लोग हैं, जेन जी है, उनको सोने को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या उनको खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, और कैसे चेंजेस आते हैं सोना खरीदने में 5 से 10 साल के लाइफ टाइम पर, आपने कैसे चेंजेस देखे? हमारा एरिया में तमिलनाडु में पहले लोग ज़्यादा परचेस करता है, अभी से ज़्यादा परचेस करता है। अभी धीरे धीरे लास्ट 10 ईयर्स में अभी लोग सेलफोन, बाइक, टूर ऐसा जा रहा है। सो इसलिए कोविड के पहले हमारा बिजनेस थोड़ा कम था, डल था। कोविड आने के बाद कोविड ज़्यादा सिखाया हमारा लोगों को, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर गोल्ड को सिखाया। क्या है, कैसे है सिखाया? पहले हमको एवरेज पर बिल टिकट 8 ग्राम था, उसी समय अंदाज 30,000 रुपया का अंदर है। अभी भाव भी डबल हो गया, वजन भी 50% ज़्यादा हो गया। सो 8 ग्राम से 12 ग्राम हो गया, बिल का टिकट साइज 90,000 हो गया। सो कस्टमर अभी जो यंगस्टर्स, क्या 30 to 40 ईयर्स के अंदर जो है, जो शादी होकर 1-2 चिल्ड्रन पैदा हुआ, ये तो रेगुलरली दे आर कमिंग एंड बाइंग गोल्ड ज्वेलरी इन अवर शॉप। एंड ऑल्सो क्या है, तमिलनाडु में कस्टमर का नीड ज़्यादा है। कम से कम 200 ग्राम शादी को डालता है। इसी के लिए किलो भी डालता है, कम से कम 200 ग्राम डालता है। कम से कम। इसलिए मैंने बोलता है, एक लड़की पैदा हुआ सो महीने का 1 ग्राम ले लो। अच्छा, आपको टारगेट इसी 20 साल में शादी है। हाँ, टारगेट अच्छा हो सकता है। ये आपका हो गया SIP फॉर गोल्ड। या SIP फॉर गोल्ड। एक स्मॉल जिस्ट देने के लिए, 2003 में सेंसेक्स था 3,000 रुपया। हाँ जी, गोल्ड का भाव था 3,000 रुपया। आज सेंसेक्स है 84,000 के आसपास और गोल्ड टच हो रहा है 80,000। बेस्ट पार्ट है सेंसेक्स ऐसे गया है। हाँ जी। और गोल्ड ऐसे गया है। अच्छा, वो दिल की धड़कन भी ऐसे ही स्ट्रेट रखता है और स्टॉक मार्केट में आपकी दिल की धड़कन सिर्फ ऊपर नीचे। ये दोनों ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट अलग है, गोल्ड मार्केट अलग है। नीड तो सोना है, ग्रीडी तो स्टॉक मार्केट है। If you want to make big money, you can go into the stock market. That is true. But you should know the stock market. Yes. But हमारा एरिया में नीड ज़्यादा है। हर एक
घर में लड़की लोग है सो उनको सोना लेने के बाद कॉन्फिडेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस उनको फैमिली रन करने के लिए सो इसी के कारण हमारा साइड लोग सोना ज़्यादा लेता है। पहले आप मुझे बता रहे थे कि पहले लोग घर कपड़ा मैं बोल रहा हूँ हमारा तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु का छोड़ दो इंडिया भी ऐसा ही है, मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा है इंडिया में। डेफिनेटली ये इंडिया में मिडिल क्लास पीपल को क्या है, रोटी कपड़ा मकान यही है उनको मेन इज्जत है। हाँ सो इसमें क्या है, रोटी कपड़ा सोना और मकान। सो मिडिल क्लास पीपल रेगुलरली सेविंग्स करता है थ्रू सोना, फिर 10 साल के बाद थोड़ा सेल्स कर मकान को एडवांस डालता है। सो उनको दोनों को उनको जो जो चाहिए ये सब என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நடக்குது. So what they thought, what they need, they can achieve through sona. Okay. That's why our Tamil Nadu people are very smart. Yes, that's really true. Haan ji, haan ji. Really true. Because their perspective towards gold is safeguarding their family. वो सोच रहा है कि मैं कैसा दिखूंगा ये नहीं वो सोच रहा है कि मेरा जो बेटा है 5 साल बाद सुकून से सो पाएगा कि नहीं। हाँ जी इसके अलावा अभी तो क्या है, लड़का लड़की दोनों पैदा हुआ भी उनको कच्चा करना जरूरी है। हमने क्या बोल रहा हूँ, दो लड़का लड़की को आप एक एक रखता है हाँ। लेकिन तीसरा सोना ले लो, आपके हाथ में सोना है तो भी ये दोनों लड़का लड़की आपको देखता है नहीं तो भी ये भी देखता बहुत तकलीफ है अभी। सो सोना आपके साथ भी हाथ में थोड़ा रखना जरूरी है। आपको क्या ऐसा जो मेरे 20 से 30 साल की उम्र में है लड़के हो या लड़कियां हो किधर भी हो इंडिया में उनके लिए आप क्या गाइडेंस देते हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उन्हें कैसे और कहाँ से। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, गोल्ड कॉइन तो ठीक है बट अगर मैंने ज्वेलरी भी खरीदा तो यार वो मेकिंग चार्ज आ जाता है तो मैं फिर ज्वेलरी खरीदूँ क्या, वो मैं पैसा कैसे वापस लाऊंगा? तो मैं गोल्ड कॉइन खरीदूँ कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदूँ? भैया दैट इज डिपेंड अपन ऑन द यूजर्स। गोल्ड कॉइन खरीदे तो भी आप लॉकर में रख सकता है, जोब में भी रख सकता है, बट ज्वेलरी खरीदो तो भी आप वेयर कर फंक्शन में जा सकते हैं। हाँ आप वेयर कर फंक्शन में जाने के समय आपको रिश्तेदार आपको फ्रेंड्स सब लोग को देखता है ना। True. ये ब्राइड सब लोग ब्राइड के ऊपर चलता है। True. नीड अलग है ब्राइड अलग है। True. ये इफ द लड़की जो पहनने वाला ये ब्राइड में चलता है सो उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इसी के कारण उनको पेरेंट्स उनका हस्बैंड सब लोग को बहुत खुश में रखता है। ट्रू। सो 5% 8% का वेस्टेज देने में इतना ये कुछ को कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे वो 5% कवर करने में कितना टाइम जाएगा ऑलमोस्ट? ये तो डिपेंड अपॉन द मार्केट भैया, कम से कम 1 साल में अभी कवर होता है, हो जाएगा। इस बार तो डबल हो गया 6 महीने में हो गया। 6 महीने में हो गया, अभी तो 1 महीने के अंदर 70% हो गया। सो ये अलग तो बट इफ यू आर वेयरिंग द कॉन्फिडेंस, इफ यू आर वेयरिंग that satisfaction, that is true, that gives more value. That's why amara side mein log jewelry pehante hain. Ye idhar side ka jaisa heera kankar wala zyada pehante hain, ye log pura plain gold jewelry mein concentrate karte hain. True. Wo ek status bhi aa jata hai. Status aa jata hai. Aur mere ko kya lagta hai jo mere age ke hai aajkal hai na fashion ladkon mein bhi हाँ जी लड़कों में बहुत फैशन है जो आप ज्वेलरी पहनते हो सरदार जी गड़ा पहनता है यस मैं भी चेन पहनता हूँ वो आपको एक फैशन स्टेटमेंट हाँ जी प्रोवाइड करता है हाँ जी एंड आई थिंक दैट इज रियली गुड और क्या है ये तो अभी क्यों आईफोन रखता है ये 100% यूज करता है कुछ नहीं
इट इज ए स्टेटस सिंबल. दैट इज ट्रू. ऐसा है सोना में और उसकी वैल्यू भी है. हाँ वैल्यू भी है. रीसेल ये रीसेल वैल्यू नहीं है बट सोना में वैल्यू भी मिलता है. ये कितना पहनता है, कैसे पहनता है, कैसे चेंज हो रहा है. सो पब्लिक एंजॉय द ज्वेलरी. आज की बात करेंगे ठीक है. आज गोल्ड प्राइस इज 77,000. हाँ जी. प्योर का रिटेल का 7,060. हाँ, 22 कैरेट. हाँ तो अगर मेरे को, मेरे पास एक भी सोना नहीं है पर मेरे को सोना खरीदना है. हाँ जी. क्या अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे को लॉस होगा बिकॉज पहले से इतना हाई है. क्या मेरे वो वापस भाव नीचे आएगा, मुझे रुकना चाहिए कि सोना खरीदना चाहिए आज के टाइम पर? भैया सब इंडस्ट्री में सिप आ गया. सिप तो मालूम है ना. यस. ऐसा हमारा इंडस्ट्री में डिजी गोल्ड ऐप आ गया. सो आपके पास कब कब पैसा था तब तब आप ले लो. सो 100 रुपया भी है, 1,000 रुपया भी है, 1,00,000 भी है. उसी समय का भाव में आप सोना ले सकता है थ्रू सिप आपके द्वारा. सो ऐसा करने के समय एवरेज भाव तो आपको मिल सकता है. कैसे ट्रू शेयर मार्केट में कैसे एवरेज करता है वैसा. सो नो प्रॉब्लम. अभी अभी तो क्या है, आपका पास माइंड चाहिए सोना लेने का, देन पैसा चाहिए. दिल और पैसा दोनों है, तुरंत ले लो. भाव के बारे में सोचना मत. अच्छा. एक दिन ज़्यादा है, एक दिन कम है. दुनिया में कोई भी कहीं भी गलत काम हो रहा है. सो सेफ हेवन सोना ही है. सोना ही में पैसा डालना हमारा साइड का लोगों का आदत ऐसा ही. अभी रशिया में वॉर हुआ. हाँ वॉर. वहाँ पर लोगों के घर गए, लोगों की गाड़ियाँ गई, पैसे तक गए. एट द एंड क्या बचा? सोना. सोना लेके भागे हैं वो और उसकी वजह से अपनी लिविंग रख रहे हैं. रशिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल हाउ गोल्ड प्रोवाइड्स यू विद दैट लिक्विडिटी एंड सेफ गार्डिंग. एंड आई थिंक इंडिया, इंडियन हैव बीन पुटिंग गोल्ड एज एन अंडर माइनर. Not in south but other senses. So I feel starting buying gold as an investment should be the first step, even as jewelry, because we are making charge 3-4% wo to yaar 6-6 mahine mein 5-6% wo to aise cover ho raha hai aur wo pehen ke aapko jo 100% feel hota hai uska wagaira. But I think hamara ab aaj do Russia Ukraine war ke bare mein baat karta hai. Ha hamara ancestor ने बहुत साल के पुराना बर्मा में था. बर्मा में एक कानून आ गया, 10 दिन के अंदर आप जो जो पैसा हाथ में ले जा सकता है लेकर जाओ. पूरा जमीन जो भी आप सब छोड़ के जाओ. ऐसा कानून आ गया बारगाव से आने वाले को. हाँ. सो उसी समय से हमारा एंसेस्टर क्या लेकर आया, सोना चांदी हीरा ये लेकर आया. इसी के कारण हमारा साइड का लोग पर्टिकुलरली बिजनेस पीपल सोना में ज़्यादा पैसा डालते हैं. वो ट्रस्ट उन्होंने ट्रस्टवर्थी के अलावा ये तो ऑल वर्ल्ड आप सोना कहीं भी ले जा सकते हैं. हाँ और कभी भी बेच सकते हैं. बेच सकते कोई भी टाइम पर. हाँ और क्या है, अभी ज़मीन ले लो. 10,000 square feet है. हाँ आपका 500 square feet का पैसा चाहिए. हाँ, ये मिल सकता, नहीं है? मिल सकता है. सोना में ऐसा नहीं 500 ग्राम कट कर बेच कर सकता है. हाँ, फिर पैसा आ गया. 500 ग्राम लेकर रख सकता है. सो जमीन का प्लस माइनस पॉइंट अलग है. सोना का प्लस माइनस पॉइंट अलग है. सो सोना तो सोना है. सोना में पैसा डालना इट इज नेवर इन प्रोडक्ट. सो हमारा जितना छोटा उम्र से आज तक सोना जीत. क्या बहुत बढ़िया बोला आपने. आप इतने सालों से 1947 से. हाँ ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया. 1947 से आप कंज्यूमर्स को केटर कर रहे हो. हाँ जी. ऐसा क्या आपके ब्रांड में है कि वो कंज्यूमर अपने पर दादा या दादा से अब तक आपके साथ खरीदी करके आ रहे हैं तंगा माइल के साथ? हाँ जी. ऐसा क्या है तंगा माइल में जो बाकी ज्वेलर्स को वो ट्रस्ट बिठाने में मे बी थोड़े ज्वेलर्स को इश्यू हो रहा है? पहले ट्रस्ट के ऊपर काम किया. अभी ट्रस्ट के ऊपर नहीं, भाव के ऊपर है. कस्टमर को क्या मांगता है अभी का ट्रस्ट, अभी का टेस्ट मैंने बोलता हूँ.
उनको फर्स्ट इंटरनेशनल क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए. एक क्वालिटी प्रोडक्ट तो 916 आवर परफेक्शन फिनिशिंग सब उसके अंदर प्रोडक्ट मीन सब उनको चाहिए. इसके अलावा प्लेसमेंट चाहिए. क्या एक जगह में सेल्स होने वाला प्रोडक्ट दूसरा जगह में सेल्स नहीं है. सो इधर सब लोग इन्वेंट्री ज़्यादा कर रखता है. सो टेक्नोलॉजी यूज़ कर आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा रखना चाहिए. ओके. थर्ड वन प्राइसिंग. प्राइसिंग हाँ, आपको इन एफिशिएंसी को कस्टमर पैसा देना ये इट इज़ नॉट करेक्ट. सो प्राइसिंग थर्ड तो प्राइसिंग. फोर्थ तो सर्विस. कस्टमर जो मांग रहे ये दे दो. ज्वेलर लोग क्या करता है उनके पास जा क्या रखता है ये उनके सिर के ऊपर देता है. इट इज नॉट करेक्ट. सो एक बार दो बार ऐसा कहते भी तीसरा बार आपका दुकान को आए भी नहीं आएगा. फिफ्थ पॉइंट बायबैक. हमने 916 भेज रहा है इसी के कारण एक्सचेंज तो आ गया 100% बायबैक वैल्यू मिलता है. अच्छा हाँ कैश तो 3% लेस कर अकाउंट में पैसा भेज रहा हूँ. परफेक्ट. सो ये तो कस्टमर को अच्छा माल रीजनेबल भाव में ट्रांसपेरेंसी में चाहिए. अमेजिंग. आई थिंक दैट सम्स अप. या यंग कस्टमर को यही मांगता है. दैट इज ट्रू. वेरी ट्रू. तो पुराने लोग ऐसा करे तो भी उनको भी व्यापार होने का चांसेस है. दे हैव टू चेंज. यस. ये व्यापार लोग क्या कर रहा है यू हैव टू चेंज बोल रहा है पगले वी हैव टू चेंज. That is the really really good. That is really really good. Mr. Ramesh, that was an amazing insight. आपने एक छोटे से वीडियो में इतने सारे लोगों को आपने जो चीज़ पहुँचाई है. अच्छा. It is going to be amazing. And I hope they understand the value of gold and they grow like gold and shine like a diamond. Yeah. ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा है. Yes. They grow like gold, shine like a diamond. Diamond bhi nahi, solitaire.